खतरों के खिलाड़ी 11 के खतरनाक स्टंट शुरू हो चुके हैं और प्रतिभागियों को हर दिन डेंजरस स्टंट्स को जीतकर शो में सरवाइव करना पड़ रहा है। अब तक हमने आपको खतरों के खिलाड़ी 11 में हो चुके कई स्टंट्स के बारे में बता चुके हैं और अब जिस स्टंट के बारे में हम आपको बताएंगे उसका नाम है स्विंग इन द एयर टास्क, जो प्रतिभागियों के लिए बहुत मुश्किलों भरा था। इस टास्क को अनुष्का सेन, राहुल वैद्य, अभिनव शुक्ला और अर्जुन बिजलानी के साथ खेला गया था, जिसमें से एक प्रतिभागी को फेयर फंदा मिला तो वही एक प्रतिभागी को डिस्क्वालिफाइड कर दिया गया और इस टास्क में कौन विनर बना ये भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले इस टास्क के डिटेल को हम आपको बता देते हैं। इस टास्क के लिए अत्यधिक ऊंचाई पर हवा में लटकते हुए बैरियर बनाए गए थे, जहां से कई स्विंग लटक रहे थे और प्रतिभागियों को तेज हवा में हिल रहे इन स्विंग से जंप करते हुए फ्लैग्स कलेक्ट करने थे। तेज हवा के कारण प्रतिभागियों को इस टास्क को करने में काफी दिक्कतें आ रही थी। ऐसे में सबसे ज्यादा फ्लैग अभिनव शुक्ला ने कलेक्ट किए, लेकिन फिर भी किसी कारण से अभिनव शुक्ला को इस टास्क में डिस्क्वालिफाइड कर दिया गया, जिसका कारण आपको शो के टेलीकास्ट होने के बाद ही पता चलेगा। इस टास्क को अर्जुन बिजलानी ने भी बहुत सूझबूझ के साथ खेला और अर्जुन ने राहुल, अनुष्का और अभिनव को हरा कर स्विंग इन द एयर टास्क को जीत लिया, जिसके बाद अर्जुन बिजलानी एलिमिनेशन से बच गए। वैसे इस टास्क को किसी ने भी कम्प्लीट नहीं किया था, लेकिन गेम को देखते हुए अर्जुन को इस टास्क का विजेता बनाया गया। वहीं अभिनव को ना ही जीत हासिल हुई और ना ही वो डेंजर जोन में गए। इसके अलावा रोहित शेट्टी को राहुल और अनुष्का के बीच निर्णय लेना था कि किसने सबसे कम समय में ज्यादा फ्लैग्स कलेक्ट किए और अनुष्का सेन ने अपने गेम से राहुल को हरा कर फेयर फंदे में जाने से खुद को बचा लिया और राहुल फेयर फंदा में चले गए। वहीं खबरों की माने तो राहुल शो से एलिमिनेट भी हो चुके हैं और राहुल का गेम कहां कमजोर पड़ा ये तो एपिसोड के टेलीकास्ट होने के बाद ही पता चलेगा। तब तक के लिए खतरों के खिलाड़ी 11 के डेली अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से।